जय जोहार संगवारी हो, मैं कोमल देवांगन, आप मन देखा तो यूट्यूब चैनल संगवारी हो। आज फाइनली हम आप मन देख सकते हो हरिद्वार पहुंच चुके हैं। ये आप मन देख सकते हो संगवारी हो रेलवे, उत्तर रेलवे हरिद्वार, ये प्रवेश द्वार है यहाँ के। जो जय जोहर संगवारी हो, मैं कोमल देवांगन, आप मन देखा तो यूट्यूब चैनल संगवारी हो। आज हम बस स्टैंड में खड़े हुए हैं, यहाँ से हम अपन यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। आप मन बताबो कि कहाँ जाते हैं बोला तो बिल्कुल हम संग में बने रहिए, पूरा वीडियो देखते रहिए संगवारी हो। आज आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि मुंगेली और छत्तीसगढ़ छोड़ के मैं लंबा अंतराल के लिए मैं छत्तीसगढ़ से बाहर रहने वाला हूँ, तो आज आप मतलब मैं बताऊँ वीडियो के अंत में बताऊँ तो बिल्कुल आप मन बने रहिए। और अभी मुंगेली में हूँ, आप मन मुंगेली के मैं बस स्टैंड में हूँ। यहाँ से पूरा दाऊपारा चौक तक के यहाँ के दृश्य और यहाँ के नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश करी हूँ। वो खबर लगातार मोर ब्लॉग में बने रही है और आप मतलब बिल्कुल पल पल के जो वीडियो है वो आप मन के बीच में साझा करी है, वो आप मतलब मैं बताए की कोशिश करी है। तो बिल्कुल हमारे संग में बने रही है, वीडियो ला पूरा अंत तक देखते रही। ऑटो पकड़ के जो है कि रेलवे स्टेशन जाने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप मन हमारे समय बने रही हो, वीडियो देखते रहिए। मैं मुंगेली से बिलासपुर की बात कर रहा हूँ, बस की टिकट है जो 70 रुपये है, आगे वो बने रही है। पूरा मैं आप मतलब दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप मतलब पूरा यहाँ के कहाँ है कहाँ जाता हूँ बोला आप मतलब भी बताऊँ आगे, तो बने रहा हूँ संगवारी हो। आज हम फाइनली पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन, यहां से हम निकल वो यहां अपना यात्रा की शुरुआत करबो, तो आप मन बिल्कुल बने रही है। हम रेलवे स्टेशन के जो आप ट्रेन पकड़ लेबो, फिर उखर बाद फिर हम गोड़ बात करबो, बताबो आप मतलब विस्तार से कि हम कहां जाते हैं वो कहां जाबो, कतेक दिन के लिए हम छत्तीसगढ़ से बाहर रहने वाला है, वो तमाम बात है जो कि वो आप मतलब हम बताबो, वो आप मतलब वहाँ के पूरा दृश्य ला दिखाए कोशिश का बता, बिल्कुल बने रही हो ना। आप मन आज अभी के लगभग दोपहर के 2 बजने वाला है, और अभी भी हम भोपाल में मौजूद है, आप मन देख सकते यहाँ का दृश्य ला आप मतलब दिखाए की कोशिश करबो, बिल्कुल हमारे संग में बने रही हो। अभी मुंगेली से हम लगातार आप मतलब रूबरू करा था ना, आप मतलब बिल्कुल दिखाए की कोशिश करता था रेलवे स्टेशन में जहाँ भी रुकते वहाँ के वहाँ के वातावरण दिखाए की कोशिश करता, तो बिल्कुल लगातार हम कवरेज करके आप मतलब हरिद्वार तक के दिखाबो। खबर फिर लगातार हमारे वीडियो एक से बढ़ के एक वीडियो बाबा के जो वीडियो है वाला दिखावे की कोशिश करबो, आप मतलब घर बैठ के आप दर्शन कराए की कोशिश करबो संगवारी हो। आप मन देख सकते हो 21 तारीख को 5 बजे जो कि बिलासपुर से निकले हुए हैं, आज 23 तारीख के आज रात के 2 बजे हुए हैं, और आज हम अभी फरीदाबाद दिल्ली पहुंचने वाला हैं, और यहां के रेलवे स्टेशन के आसपास की कुछ इस तरह के नज़ारा आप मतलब देखे पर मिली, एकदम सुस्त और मरहा खुरहा टाइप के ट्रेन है चलाते, तेखर कारण काफ़ी लेट और काफ़ी परेशानी के सामना करना पड़ा था संगवारी हो। आज से हमार जो है यात्रा की शुरुआत होने वाला है, तो मैं बताना चाहता हूँ आप मतलब कि हम 21 तारीख के दिन अपन यात्रा की शुरुआत बिलासपुर से कर रहे हैं, आवाज की 23 तारीख के जो कि हरिद्वार पहुंच चुके हैं ना, अभी के हम समय की बात करें तो बिल्कुल अभी समय हो है
9 बजने वाले हैं। अब आपन यहाँ के नजारा देख सका था। अभी तो मुंगेली और छत्तीसगढ़ में काफी गर्माहट के माहौल है, यहाँ तो बिल्कुल मस्ता ठंडा ठंडा माहौल है, बिल्कुल ठंडा है। काफी यहाँ के माहौल हम दिखाए के कोशिश करबो और आप मल्ला यहाँ के पूरा केदारनाथ धाम के दर्शन करा। अभी बार अच्छे संगवारी हो, बिल्कुल हमेशा में बने रही और वीडियो पूरा अंत तक देखते रही। जो है संगवारी हो, मैं कोमल देवांगन, आप मन दिखा तो यूट्यूब चैनल संगवारी हो। आज हम फाइनली हरिद्वार पहुंच चुके हैं ना, और आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि 21 तारीख के दिन 5 बजे की शुरुआत हो रही है बिलासपुर से, जो कि आप 23 तारीख के लगभग 9 बजने वाला है। और हम हरिद्वार प्रवेश कर चुके हैं ना, आप मन देख सकते हो यहाँ के माहौल, ये तरह की आप मतलब माहौल देखे ला मिली। और आप मतलब मैं बताना चाहता संगवारी हो कि मैं 21 तारीख को सुबह 10 बजे पड़ाव चौक से निकले हुए रहे हूँ, जो कि ट्रेन रही से जो कि 2 बजे रही से, वो तो 5 बजे आई से, और लगातार धीमी गति से मरह खुरा टाइप के चलन रही से, क्योंकि दो रात और एक दिन करके लगभग 23 तारीख के दिन आज फाइनली हम पहुंचा गए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ मुंगेली से लेकर यहाँ तक के आए होकर टिकट की बात करें तो हम मुंगेली से बस से मैं बिलासपुर आए, बिलासपुर की टिकट है लगभग 70 रुपया, 70 रुपये से फिर 20 रुपये के, फिर मैं रेलवे स्टेशन आया, 20 रुपये की रेलवे स्टेशन आए के बाद वहां से टिकट ले 380 रुपये के, जो कि हरिद्वार तक के रही से, तो लगभग मोला अभी 480 रुपये लग चुके हैं हरिद्वार पहुंचे तक, मुंगेली से हरिद्वार तक के फाइनली 480 रुपये लग चुके हैं। और आगे आप मतलब दिखावो क्या कतेक लगत है, मतलब रूम के क्या रेट है, गाड़ी के क्या रेट है, वो तमाम जो खर्च है ओला आप मतलब मैं बता के कोशिश करूँ और आप मतलब रूबरू करा के कोशिश करूँ। अगर अब मैं बताना चाहता संगवारी हो, खाना पीना की बात करें तो हम घर से अंगाकर रोटी लेके आ रहे हैं, और अंगाकर रोटी और गुड़ ला बिल्कुल दो दिले दबा के खाएं, मजा आ गए एकदम। और आप मन के मन में हो ही एक सवाल कि काकर काकर संगवाए हो, तो मैं बताना चाहता संगवारी हो, हम यूट्यूबर छत्तीसगढ़ के तमाम यूट्यूबर है जो कि आए हुए हैं ना, वो मन लगातार अपन अपन अंदाज में वीडियो बना के कोशिश कर रहे थे, और अपन अपन अंदाज में वो अपन वीडियो ला यूट्यूब के माध्यम से प्रेस करने वाला है। तो मैं दो चार जन यूट्यूबर मन के नाम बताना चाहता हूँ संगवारी हो, जैसे कि अमन जंगेल है जो कि यूट्यूब पर जाके देख सका था, राहुल ब्लॉग है, दीपक ध्रुव है, शर्मा ब्लॉग है, कंचन देवांगन है, जैसे तमाम यूट्यूबर है जो कि यहाँ सकलाए हुए हैं, और वो वीडियो के माध्यम से आप मल्ला दिखाए के कोशिश करिए, और आप मल्ला रूबरू कराए के कोशिश करिए, और आप मल्ला केदारनाथ धाम के जो यात्रा है ओला आप मल्ला बिल्कुल घर बैठे दिखाए के कोशिश करिए। तो बिल्कुल आपो मन के मन में कोनो प्रकार के सवाल हो तो बिल्कुल हमारे से सवाल करिए, लगातार हम आप मन के सवाल के जवाब वीडियो के माध्यम से दे के कोशिश करबो। तो अभी बार रत के चाह मोला दबिदा, और हमारे ब्लॉग में बने रहो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो, आप मन देख सकते हो हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले हुआ था ना, आप मन देख सकते हो कौन सा स्थिति से बैग को कैसे टेप के रखे हैं। यहाँ के आप मतलब मैं दृश्य ला फ्रंट कैमरा से दिखाना चाहूँ, और आप मतलब यहाँ के दर्शन कराना चाहता था रेलवे स्टेशन के जो बाहर के दृश्य है, जो प्रवेश द्वार है ओला आप मतलब मैं दिखाए के कोशिश करी हूँ, तो बिल्कुल आप मन बने रहो। ये आप मन देख सकते हो संगवारी हो, रेलवे उत्तर रेलवे हरिद्वार ये प्रवेश द्वार है, यहाँ के जो आप मतलब मैं माहौल दिखाना चाहूँ कि आप मन देख सकते हो यहाँ शंकर मंदिर है, यहाँ हरिद्वार के जो आप मन देख सकते हो प्रवेश द्वार है, वहाँ पहाड़ी एरिया है। आप मतलब मैं जूम करके दिखाना चाहूँ कि ये देख सकते हो संगवारी हो, काफी वातावरण यहाँ के मस्त ठंडा ठंडा हवा के साथ मौसम के नज़ारा काफी सुंदर और खुशनुमा माहौल है। और यहाँ की ये प्रवेश द्वार से हम बाहर हो सन भैया हो, अब आप मन हम बिल्कुल लगातार दिखाए कोशिश करबो। ये है देख सकते हो सब श्रद्धालु मन उतरा जात है।
संगवारी हो, वीडियो कैसे लगी अपन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। वीडियो थोड़ा बहुत बने लगे हुई तो वीडियो अधिक से अधिक शेयर करी हो। यही आशा उम्मीद के साथ मैं विदा लेवा था, फिर मिलवो न अगला वीडियो में। तब तक ले जय जोहर जय छत्तीसगढ़। हाँ संगवारी हो, आप मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि आज से हम लगातार वीडियो में बने रही है और आप मतलब हम केदारनाथ के दर्शन कराबो और साथ ही साथ एक दिन हो सके तो लाइव वीडियो भी आबो, तो आप मन बिल्कुल हमारे वीडियो में बने रही है और अधिक से अधिक शेयर करते रहो। जय जोहर जय छत्तीसगढ़।